तो गाइज, आज की इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले यहाँ पर मैं आपको लाइट फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको जो बहुत सारे एसेट्स मिल जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे कि करेंसी के पेयर्स, उसके बाद स्टॉक मार्केट इंडेक्स, मेटल, सॉइल, क्रिप्टो करेंसीज़ और बहुत सारे जो ट्रेडिंग टूल्स भी मिल जाते हैं। और अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वेबिनार्स, ट्यूटोरियल्स जो है फ्री में मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर आपको ज्वाइन करना है, वीडियो के नीचे मैं इस प्लेटफॉर्म की लिंक आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर देखो, बेसिकली टू टाइप के अकाउंट होते हैं, ECN और क्लासिक। तो आप जो दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर ये लोग जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 लेटेस्ट जो है प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर वो यूज़ करते हैं वेब वर्जन और मोबाइल वर्जन दोनों के लिए, ठीक है। और गाइज, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोशल नेटवर्क यानी कि जो है कॉपी ट्रेडिंग को यहाँ पर आप जो इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप जो है प्रो ट्रेडर से नॉलेज ले सकते हो, सीख सकते हो और उनके थ्रू जो आप जो है यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर्चुनेटली सबसे 1 रैंक के ऊपर हमारा इंडियन ही है कोई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइज, यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये, गाइज यहाँ पर अभी जो कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारे कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं। तो यहाँ पर अभी जो सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट चल रहा है, लाइट फॉरेक्स ड्रीम ड्रॉ, तो इस कॉन्टेस्ट के अंदर यहाँ पर आप जो चांसेस होता है कि आपको ड्रीम हाउस मिले, ड्रीम ब्रांड न्यू SUV कार, उसके बाद जो 18 सुपर गैजेट्स, तो प्राइस फंड देख सकते हो। तो कैसे इसे यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, सारे जो यहाँ पर आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, तो वीडियो के नीचे यहाँ पर आपको जो है ज्वाइनिंग लिंक मैं दे दूंगा। तो गाइज़, आप में से काफ़ी लोग मुझे हमेशा रिक्वेस्ट करते हो, सर हमारे कोई नई स्ट्रैटेजी लाओ, सर एक मोबाइल वाली स्ट्रैटेजी लाओ, सर 90% वाली अच्छा सक्सेस रेट हो जिसका होगा वैसे स्ट्रैटेजी लाओ। तो मैं जब स्ट्रैटेजी लाता हूँ, आप उसे देखते हो, आप जो एग्रेशन में ट्रेडिंग भी करने लग जाते हो, बट यहाँ पर उसके बाद जैसे आपको लॉस होता है, फिर उसके बाद आप मुझे मैसेज करते हो, सर मुझे लॉस हो रहा है, मैंने स्टार्टिंग में प्रॉफिट तो कर लिया बट अभी मुझे लॉस हो रहा है, तो सर कैसे रिकवर करूँ, सर मुझे कुछ तरीका बताइए। बिकॉज यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर स्ट्रैटेजी तो इंपॉर्टेंट होती है गाइज, बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिस्क मैनेजमेंट, आप जो उसके अंदर इंप्लीमेंट करना ही भूल जाते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हर एक चीज जानेंगे, मैं आपको हर एक पॉइंट के साथ बताऊंगा क्यों आपको जो रिस्क मैनेज इतना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी के साथ आपको जो इसे यूज करना चाहिए, ठीक है। तो गाइज देखो, यहां पर मुझे लगता है कि बेस्ट ट्रेडर होता है ना, बेस्ट ट्रेडर को हमेशा अपने प्रॉफिट से पहले, यहाँ पर आप कोई भी ट्रेड लगा रहे हो ना, आपको प्रॉफिट से पहले यहाँ पर आपको उसके पीछे की रिस्क को देखना पड़ता है। अभी यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, MS धोनी, यस महेंद्र सिंह धोनी। तो गाइज, आप में से काफ़ी लोगों को कभी कभी गुस्सा आता है जब धोनी मैच के एंड में जब आता है, 7 विकेट होने के बाद जब मैच में धोनी आ जाता है, तभी बहुत ही ज़्यादा रन चाहिए होते और बहुत कम बॉल बचे होते हमारे टीम के पास, ठीक है। बट तभी धोनी जो है क्या करता है, बहुत ही प्लेट प्लेट खेलता है या फिर डिफेंसिव खेलता है और ज़्यादा बड़े बड़े शॉट नहीं मारता। क्या आपको लगता है कि धोनी को बड़े बड़े शॉट मारना नहीं आता है या फिर किसी बॉलर को धोनी जो घबरा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है गाइज। बट यहां पर डिफरेंस होता है, धोनी जो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचता है। बिकॉज देखो गाइज, और यही डिफरेंस है, यही चीज़ जो है ऋषभ पंत से धोनी को अलग बनाती है, मैं आपको आगे एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, आपको पता है कि यार धोनी को पता है, बिकॉज रन बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है धोनी को पता है कि यार इतने रन है, बॉल कम बचे हैं, बट यहाँ पर धोनी सबसे पहले, प्रॉफिट से पहले, मैच विनिंग से पहले धोनी जो है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचता है। अगर मैं आउट हो जाऊँगा तो यार देखो, मेरी टीम पूरी ख़राब हो जाएगी, मेरे पूरी टीम जो आउट हो जाएगी, मेरे बाद में कोई भी अच्छा नहीं है। तो धोनी पहले, प्रॉफिट से पहले धोनी रिस्क के बारे में सोचता है। और वही अगर बात करें ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत में भी उतना ही टैलेंट है, ऋषभ पंत भी उतने ही बड़े बड़े छक्के मार सकता है जितना धोनी मारता है, बट ऋषभ पंत जो हमेशा प्रॉफिट की सोचता है, पंत यहां पर जो है उसके पीछे के रिस्क मैनेजमेंट को नहीं देखता है, कभी भी रिस्क मैनेजमेंट ऋषभ पंत नहीं करता है। तो इसलिए कभी कभी बड़े बड़े छक्के तो मार देता है, उसके बाद जब आउट हो जाए तो पूरी मैच जो है हार जाते हैं। तो गाइस, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आपको मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना है तो आपको धोनी बनना पड़ेगा। बिकॉज देखो, आप ऋषभ पंत बनोगे तो यार कुछ मैच आप जीत के लोगे, बट अगर आपको बड़ी सीरीज या फिर बड़ा वर्ल्ड कप जीतना है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है मार्केट के अंदर, तो आपको MS धोनी बनना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आपको एग्जांपल अच्छा लगा है तो कमेंट के नीचे आप जरूर बताना कैसे आप सोचते हो, आप MS धोनी के जैसे सोचते हो या फिर आप ऋषभ पंत के जैसे सोचते हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए PPT बनाई, उसके अंदर मैंने आपको सारे पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट यहां पर मैंने उसके अंदर डाले। बिकॉज यहां पर क्या
क्या होता है ना, आपका जो बैलेंस होता है मेरे से बहुत ज़्यादा कम हो सकता है या फिर आप मेरे से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उस बैलेंस के हिसाब से आपको कैसे ट्रेड करना है, कितने ट्रेड लेने हैं और कितने अमाउंट के आपको ट्रेड लेने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं कैसे आपको स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, मैं आपको सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे पीपीटी को देख देख के। तो यहाँ पर चलो यार शुरुआत करते। शुरुआत करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो यार यहाँ पर आप देख सकते हो हमने ऑलरेडी 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए, तो उसे वहाँ पर आप ज्वाइन कर लो। वीडियो के नीचे आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ और इस वीडियो को लाइक कर दो यार। लाइक करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, सच बोल रहा हूँ। यहाँ पर पैसे तो नहीं मिलते यार लाइक से, बट यहाँ पर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है, तो लाइक करना भूलिएगा मत और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और अर्निंग रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। तो चलिए गाइस पीपीटी को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो रिस्क मैनेजमेंट एज इम्पॉर्टेंट एज स्ट्रैटेजी। तो हाँ गाइस, हम लोग जो उतना स्ट्रैटेजी को जितना इंपॉर्टेंस देते हैं उतना हम लोग जो कभी भी जो है रिस्क मैनेजमेंट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते जो कि आपको देना चाहिए। बिकॉज गाइस देखो, जितना इंपॉर्टेंट रोल स्ट्रैटेजी प्ले करती है ट्रेडिंग के अंदर, उतना ही उससे भी कहीं ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम लोग इस पीपीटी के अंदर सारी चीज़ें देखेंगे। इस पीपीटी को मैंने जो है बेसिकली 4 स्लाइड के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंट्रोडक्शन है, सेकंड जो यहाँ पर मैं आपको कुछ ब्रॉड पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट के, और थर्ड है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको जो अपना अकाउंट मैनेज करना है। ठीक है, आपका कौन सा भी अकाउंट हो, कितना भी बैलेंस आपके अकाउंट में हो, कैसे आपको मैनेज करना है मैं आपको वो बताऊंगा, और फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। तो चलिए यार वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हमारी जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है उसके ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला पॉइंट है ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर रिस्क फर्स्ट, प्रॉफिट विल फॉलो ऑटोमेटिकली इन लॉन्ग रन। ठीक है, तो गाइस देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको जो है एग्जांपल के जरिए बताया भी, यहाँ पर आपको जो अपने प्रॉफिट से पहले यहाँ पर आपको जो लॉस, जो भी लॉस हो रहा है या फिर जो रिस्क है उसके पीछे, यहाँ पर आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बिकॉज अगर आपको मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट बनाते रहना है तो यहाँ पर आपको जो रिस्क को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, आप $100 को आप देखते हो मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े ट्रेड लगा सकते हो $100 के, $150 के, बट यहाँ पर आपको दिखता है कि यार $100 का ट्रेड अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे जो है $200 का प्रॉफिट होगा, बट यार उसके पीछे का रिस्क आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, देखते नहीं हो कि यार देखो मैं मेरा $100 का जो अकाउंट का बैलेंस है वो जो मैं दाव पे लगा रहा हूँ, तो यार देखो अगर वो लॉस कर दिया ना, तो यहाँ पर आपको पहले वो सोचना है कि अगर मैं $100 लगाता हूँ तो यार मेरे अकाउंट के ऊपर क्या उसका अफेक्ट गिरेगा, क्या मैं आगे ट्रेडिंग कर पाऊँगा या फिर मेरा बजट ख़त्म हो चुका है, ये सारे चीज़ें आपको जो है पहले समझनी पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद ये सब चीज़ें करो तो यार सबसे पहले आपको रिस्क के बारे में सोचना है। तो उसी के ऊपर हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेडिंग सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ बिग प्रॉफिट्स यू मेक, इट्स अबाउट हाउ वेल यू मैनेज योर रिस्क। हाँ गाइज देखो, आप जो है ना, मतलब आपको पता है कि यार ट्रेडिंग के अंदर आप जो बड़े बड़े ट्रेड करके बड़ा बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। एग्जांपल के लिए आपने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा होगा, मैं भी काफ़ी बार आपको वीडियो के जरिए दिखाता हूँ, यहाँ पर हम लोग जो है $100, $200 के बड़े बड़े ट्रेड लेके, एग्जांपल के लिए मान लो आपने जो कर भी लिया, आपने जो बड़े बड़े ट्रेड लेके आपका जो बैलेंस है $100 से लेकर 1000 कर लिया। ठीक है, बट यार देखो अगर आपको मैनेज करना नहीं आता है आपके रिस्क को, तो यार आप जो है अल्टीमेटली लूज करोगे। यार आपने जो आपका बैलेंस है $100 से लेकर 1000 कर दिया है, वो एक घंटा या फिर एक दिन, मतलब एक दिन के अंदर अंदर या फिर एक घंटे के अंदर अंदर वो जो है पूरा बैलेंस मिट्टी में मिल सकता है। आपको भी पता है आप जो ट्रेडिंग के अंदर कितना जल्दी लॉस कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो है भूल जाते हो कि यार देखो आप प्रॉफिट तो कर लोगे थोड़े दिन, बट यार जो है वो प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है उससे बस मतलब कुछ सेकंड्स लग जाते हैं पूरा आपका बैलेंस खाली होने में, पूरा अकाउंट आपका जो खाली होने में कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। तो इसीलिए अगर आप जो लॉन्ग टर्म का सोचते हो, रिस्क मैनेजमेंट का सोचते हो ना, तो अल्टीमेटली आप जो एवरेज के साथ प्रॉफिट करते जाओगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेडिंग इज नॉट वन डे बिजनेस। गाइज इफ़ यू वॉन्ट टू गो लॉन्ग ऑलवेज प्रोटेक्ट यूर कैपिटल, ऑलवेज टेक स्मॉल रिस्क। ठीक है, तो गाइज देखो काफ़ी सारे लोगों को सब एडवर्टाइजमेंट देख के या फिर सब देख के ना, लोगों को लगता है यार बहुत ही कम पैसे में एक मिनट के अंदर, दो मिनट के हम लोग जो है
प्रॉफिट बना सकते हो और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज, यहाँ पर आप जो रातों रात अमीर कभी भी नहीं बन सकते हो, या फिर अगर समझो मान लो बन भी गए ना, तो उतना ही डर होता है अगले दिन आप जब ट्रेड करोगे, उतना ही डर होता है कि आप जो अमीर बने हो फिर से उतना ही गरीब बन सकते हो। बिकॉज ट्रेडिंग ऐसा ही है गाइज, यहाँ पर आप एक दिन मतलब प्रॉफिट कमा लोगे, उतने ही दूसरे दिन उतना ही प्रॉफिट, जितना आपने प्रॉफिट किया है उतना भी लॉस कर लोगे, और उससे भी ज़्यादा आप लॉस कर सकते हो, माइनस में चले जा सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आपने मैनेज करना, रिस्क मैनेज करना सीख लिया ना, तो अल्टीमेटली एवरेज के साथ स्टेप बाय स्टूडियो के साथ आप जो प्रॉफिट करते चले जाओगे मार्केट के अंदर। और गाइज यहाँ पर हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है यू कांट कंट्रोल द मार्केट। ऑब्वियसली गाइज हम लोग जो मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू कैन कंट्रोल योर मनी एंड पर ट्रेड रिस्क। अभी ये जो पॉइंट है हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है उसी के ऊपर है। यहाँ पर देखो आप जो अपने मार्केट को, अपना जो मार्केट है उससे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट आप क्या कर सकते हो, आपका जो बैलेंस है, आपका जो लाइव ट्रेडिंग अकाउंट है उससे आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने पैसे को आप जो कंट्रोल कर सकते हो, और कितना आपको ट्रेड लेना है, कितना आपको रिस्क लेना है वो तो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे यार कैसे करना है वो तो बताओ, तो हमारा वही पॉइंट है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। तो हाउ टू मैनेज योर ट्रेडिंग अकाउंट। अभी यहाँ पर देखो आपका अकाउंट का बैलेंस कितना भी हो, कैसा भी आपका अकाउंट हो, समझो मान लो आपके अकाउंट के अंदर $10 हो, या फिर आपके अकाउंट के अंदर जो है $1,000 क्यों ना हो, तो यहाँ पर मैं आपको जो परसेंटेज के साथ बताऊँगा कैसे आपको जो है अपने अकाउंट के अंदर जो मैनेजमेंट करना है, ठीक है। शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है यूज़ 1-4% मनी ऑन ईच ट्रेड ऑफ योर लाइव ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस। अब इससे मेरा मतलब क्या है, एग्जाम्पल के लिए मान लो चलो मेरा अकाउंट का बैलेंस है $100, तो $100 अगर मेरा बैलेंस है तो मैं कितना अकाउंट, कितने डॉलर का जो है पर ट्रेड ले सकता हूँ। तो इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर आपको जो है $1 या फिर मैक्सिमम $4 का ट्रेड लेना चाहिए अगर आपके अकाउंट का बैलेंस $100 है, ठीक है। तो अगर आपका अकाउंट का बैलेंस ज़्यादा या फिर कम है तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप जो परसेंटेज कैलकुलेट करके आप हिसाब लगा सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा आपको जो बड़े बड़े ट्रेड नहीं लेने इनिशियली, आप देखो यार बड़े बड़े ट्रेड ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको बड़े ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए, बट ले सकते हो, बट यहाँ पर आपको जो कंटिन्यूसली आपको एक इस एवरेज के साथ ही चलना है, और कभी कभी बीच में आप अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस के साथ आप जो बड़े ट्रेड भी ले सकते हो। तो गाइस देखो सेकंड पॉइंट है हमारा, नेवर रिस्क मोर देन 5-11% ऑफ योर लाइव अकाउंट बैलेंस इन अ डे। अगर आप दिन के अंदर की बात करो, दिन में यहाँ पर आपको जो है कितना जो ट्रेडिंग करना चाहिए, तो भाई देखो आपको दिन भर के अंदर जो 5-11% आपका जितना भी अकाउंट का बैलेंस है, यानी कि $100 है, तो $5 से लेकर $11 के ऊपर आपको जो है ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, उतना जो उसके ज़्यादा अकाउंट का बैलेंस जो आपको रिस्क में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू गेट 8-10% प्रॉफिट एनफ फॉर द डे। अगर आपको दिन के अंदर जो 8-10 डॉलर का प्रॉफिट मिलता है, भाई वहाँ पर ही स्टॉप कर दो, बिकॉज देखो ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं लोग जो है इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, और लोग जो ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग का कोई हिसाब ही नहीं रखते। आज 10 ट्रेड ले लिए, कल 50 ले लिए, कल परसों के दिन 3 ले लिए, तो यार ये सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है आपका जितना भी बैलेंस है, एग्जाम्पल के लिए अगर समझो मेरा बैलेंस है $100, तो $100 के हिसाब से मेरा 8-10% बनता है $8-10। तो जैसे ही यहाँ पर मैं $100 के अकाउंट के अंदर जब 8-10% प्रॉफिट बना लेता हूँ, यानी कि जो मेरा अकाउंट का बैलेंस 108-110 बन जाता है, तो उस दिन का यहाँ पर मेरा हो चुका है काम, यहाँ पर उस दिन के लिए मुझे रुक जाना है, ठीक है। और उसी के हिसाब से यहाँ पर अगर आप लॉस करते हो, तो लॉस के लिए परसेंटेज यहाँ पर आप देख सकते हो, 5-6% अगर आप लॉस करते हो दिन भर के अंदर, तो भी यहाँ पर आपको जो उस दिन के अंदर पर्टिकुलर आपको रुक जाना है, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी उस दिन के अंदर, ठीक है। तो मतलब यानी कि $100 का बैलेंस है, 5-6% यानी कि 5-6 डॉलर आपने लूज़ कर लिया ऑलरेडी, तो यहाँ पर उस दिन के अंदर आपको जो है ज़्यादा अभी ट्रेडिंग नहीं करनी है। थोड़ा बहुत यहाँ पर इधर उधर परसेंटेज हो सकता है, अपने हिसाब से आप मैनेज कर लो, बट ये जो मैंने कुछ ऊपर से मोटा मोटा पॉइंट्स बना दिया, ठीक है। अब गाइस और एक पॉइंट है, एज अ बिगिनर यू शुड डिपॉजिट एटलीस्ट $70-$100। ये मुझे लोग काफ़ी पूछते हैं, सर मैं बिगिनर हूँ मुझे कितना डिपॉजिट करना चाहिए अगर मुझे प्रॉफिट करना है या फिर ये सब चीज़ें करनी है। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ आपको जो मिनिमम $100 करना चाहिए। अगर आपका बजट नहीं है तो यहाँ पर आप जो 70 या फिर $50 भी डिपॉजिट कर सकते हो। बट यहाँ पर देखो यहाँ पर कैसा होता है ना, आपका अगर बैलेंस ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ पर आपको जो है ना प्लानिंग करने में मदद मिलती है, यहाँ पर आपको जो है, बिकॉज देखो मैं आपको हमेशा कहता हूँ ज़्यादा ट्रेड्स यानी कि जो है ज़्यादा
आपके पास चांसेस होते हैं। लॉ ऑफ एवरेज आपने सुना है, धोनी ने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि लॉ ऑफ एवरेज काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है, अगर आप कुछ मैच लूज़ करोगे तो कुछ मैच आप जो विन भी करोगे, तो लॉ ऑफ एवरेज काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। तो अगर आपके पास बैलेंस ज़्यादा है तो अल्टीमेटली आप जो है ट्रेड ज़्यादा लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लानिंग के लिए वगैरह काम आता है, तो यहाँ पर अगर आप जो है $100 डिपॉजिट कर सको एज अ बिगिनर तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और लास्ट पॉइंट है गाइस, इंस्टेड ऑफ वन बिग ट्रेड मल्टीपल स्मॉल ट्रेड वर्क्स फॉर यू, लॉ ऑफ एवरेज। तो मैंने जैसे कि आपको बताई है लॉ ऑफ एवरेज, एग्जांपल आप जो दो ट्रेड लेते हो तो दो ट्रेड के अंदर आप जो है किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, तो दो ट्रेड आप लेते हो तो वो बहुत ही कम अमाउंट आपने जो ट्रेड लिया, ठीक है। तो दो ट्रेड लेने के बाद आपको जो स्ट्रैटेजी को जज नहीं कर सकते आप, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से वर्क करती है फिर नहीं करती है। तो जैसे आप जो ज़्यादा ट्रेड्स करने लगोगे तो फिर आपको जो है उस स्ट्रैटेजी का एक्चुअल सक्सेस रेशो पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स लेते हो ना तो फिर आपको जो है ज़्यादा आपका वो सक्सेस रेशो ज़्यादा आपको जो दिखने आता है। और एक बिग ट्रेड लेते हो तो यार आपको पता ही है, एक बिग ट्रेड के अंदर आप प्रॉफिट कमा सकते हो बट लॉस भी उतना ही कर सकते हो। तो उससे अच्छा आप जो अगर मल्टीपल स्मॉल ट्रेड लोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, लॉ ऑफ एवरेज आपके लिए वर्क करेगा। तो गाइस ये तो सारी चीज़ें हो गई कैसे आपको जो अपने अकाउंट को मैनेज करना है, यहाँ पर आप जो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। तो गाइस अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो कि है कंक्लूजन। कंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इन सारी चीज़ों के माध्यम से मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। तो गाइस सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, यू डोंट नीड स्ट्रैटेजी विथ 95% ऑफ सक्सेस रेशो, ठीक है, टू बी ए सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं ना कि सर मुझे 95% वाली स्ट्रैटेजी ला वगैरह, तो यार देखो 95% वाली स्ट्रैटेजी मतलब देखो वर्क तो करती है बट कभी कभी अगर नहीं भी ना वर्क करे तो भी कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट के माध्यम से यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ, एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो कि आपको जो है 60% या फिर 65% का भी सक्सेस रेशो दे रही है ना, वो भी काफ़ी है आपके लिए जो है बिग प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, एग्जाम्पल की बात करूँ तो समझो मान लो मेरे अकाउंट के अंदर जो है $10 है, तो मैं 10 ट्रेड्स ले रहा हूँ, ठीक है, एक एक डॉलर के मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ, तो उसमें से यहाँ पर मुझे जो एक स्ट्रैटेजी है जो कि मुझे जो है 70% का कुछ जो है सक्सेस रेशो दे रही है, तो मतलब यानी कि 10 में से जो मैं 7 ट्रेड विन कर रहा हूँ या फिर 6 विन कर रहा हूँ, ठीक है। तो 7 ट्रेड अगर मैं विन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख लो 0.85% का समझो मान लो आप जो हर ट्रेड के ऊपर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 0.85 × 2 जो है 7, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है कुछ $5.50 के आसपास। और इसे यहाँ पर अगर आपने जो लूज़ किया है $3 उसे अगर यहाँ पर आप माइनस करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो $2.60 का आपको जो अल्टीमेटली प्रॉफिट हो रहा है इन द, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जो 70% सक्सेस रेशो दिया स्ट्रैटेजी ने, ठीक है, फिर भी यहाँ पर आप जो है $2 का $2.50 का जो यहाँ पर प्रॉफिट करने में जो है कामयाब हो चुके हो, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको कम लग रहा है बिकॉज यहाँ पर जो हम लोग $1 का ट्रेड ले रहे हैं, जैसे आप जो अमाउंट बढ़ाओगे तो यहाँ पर आपको ये प्रॉफिट भी बड़ा दिखने लगेगा। तो ये सब चीज़ें होती है गाइस, आपको जो 95% सक्सेस रेशो वाली स्ट्रैटेजी की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी 60-65% वाले भी आपके लिए काफ़ी है। और गाइज हर एक टॉपिक के ऊपर हर एक वीडियो के अंदर मैं बात करता हूँ, इमोशंस काफ़ी बहुत खतरनाक है मार्केट के अंदर, इमोशंस बर्न योर अकाउंट बैलेंस फास्टर देन एनीथिंग एल्स। किसी और चीज़ के मतलब किसी और चीज़ से फास्ट आपका जो इमोशन आपका अकाउंट का बैलेंस खाली कर देता है। इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना सीखो भाई मेरे, इन इमोशनल ओवर ट्रेडिंग आप करते हो, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, एग्रेशन के ऊपर ट्रेडिंग करते हो, मल्टीपल ट्रेड्स बैक टू बैक लगाते हो, बैक टू बैक मतलब पूरा अकाउंट बैलेंस खाली कर देते हो, तो इमोशंस बहुत खतरनाक चीज़ है, इसे अवॉइड करना सीखो। और लास्ट पॉइंट गाइस, इट्स लाइक एनी अदर नॉर्मल बिजनेस, यू हैव टू लर्न डेली एंड अप्लाई, नो ओवरनाइट सक्सेस। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था, यहाँ पर आपको ये जो ट्रेडिंग बिजनेस है ना, इसे आप जो ऐसा मत समझो कि यार यहाँ पर जो लोग आते हैं और यहाँ पर जो है रातों रात जो अमीर बन जाते हैं, तो यार देखो ये बाकी बिजनेस की तरह ही है, यहाँ पर भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, डेली कुछ ना कुछ जो है सीखना पड़ता है, अपने खुद को जो अडेप्ट करना पड़ता है मार्केट के लिए। और जैसे आप इन सारे चीज़ों को डेली सीखते हो ना, तो डेली आप जो है थोड़ी थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हो, धीरे धीरे आप जो है अपना अकाउंट का बैलेंस धीरे धीरे बढ़ाते जाते हो एवरेज के साथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखो यार, एक ही दिन में जो है बड़ी बड़ी ट्रेड लगा के कोई भी अमीर नहीं बन सकता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरे दिन फिर से वही चांसेस होता है कि दूसरे दिन फिर से आप जो माइनस में चले जाओ, आपका घर बार भी लूट जाए।
तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखना। और गाइस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तो यार थैंक यू सो मच गाइस, आपका ये सपोर्ट, आप जो हमेशा हमारे साथ रखते हो ऐसे ही आप सपोर्ट रखते रहिए। और कुछ अगर आप जो है मुझे सजेस्ट करना चाहते हो टॉपिक तो यार वीडियो के नीचे आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैश ड्रॉप आउट इंजीनियर।